मैं सुनीता, स्वागत है आप सभी का न्यूज मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। अंडाल से रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार अंडाल ब्लॉक कांग्रेस पार्टी द्वारा अंडाल प्रखंड विकास कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर अंडाल प्रखंड विकास पदाधिकारी ऋतिक हाजरा को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में अंडाल ब्लॉक अध्यक्ष रोबिन मिश्रा ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस काल में एक स्कीम की घोषणा किया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके माध्यम से प्रदेश से बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को इस योजना का लाभ की घोषणा की थी। इसके लिए 50,000 करोड़ की राशि केंद्र सरकार दे रही है। इस स्कीम का लाभ पूरा देश को मिलेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल का नाम अब तक राज्य सरकार ने नहीं भेजा। एक भी जिला का नाम पश्चिम बंगाल से राज्य ने नहीं भेजा। हम लोग राज्य सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से राज्य की जनता को वंचित ना किया जाए। ऐसे भी कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जिस तरह से आम लोगों की मदद करनी चाहिए उस तरह से नहीं कर पाया। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रवासी मजदूर अपने अपने काम छोड़कर अपने घर आए हैं, उनके लिए सरकार कुछ व्यवस्था नहीं कर रही है। उन लोगों के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अजय पांडा, ब्लॉक उपाध्यक्ष इम्तियाज अहमद तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त सभापति अधीर रंजन चौधरी जे डाक सेटा होच्छे COVID-19 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक स्कीम करेछिलेन प्रधानमंत्री, सेटा भारतवर्षेर समस्त राज्य स्कीमे आवता एसे छे, किन्तु पश्चिम बंग राज्य परिजाई श्रमिक देर जोन्नो जे लिस्ट पाठाबार कथा कोनो जेलारी नाम आमादेर ए बांगला थेके जायनी। एटा निये आमादेर माननीय विधायक नेपाल महतो महाशय हाईकोर्टे केस करेछेन एवं सेई केसे आमरा डिग्री पेयेछि एवं ताते बला होयेछे राज्य सरकारके भत्सना करा होयेछे जे जेलार नाम पाठाबार जोन्नो। तो सेई परिप्रेक्षिते আমাদের নবনিযুক্ত সভাপতি আজকে ডাক দিয়েছেন যে 50,000 কোটি টাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যে স্কিম তৈরি করা হয়েছে সেটা বাংলায় কেন এলো না, বাংলা কেন ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা বঞ্চিত হবে, তারই প্রতিবাদে আমরা সমস্ত বাংলায় সমস্ত ব্লকে ব্লকে ডেপুটেশন দিচ্ছি। আমরা পশ্চিম বর্ধমান জেলার এই অন্ডাল বিডিওকেও আমরা ডেপুটেশন দিতে এসেছি এই দাবি নিয়ে। কেন্দ্র সরকারও এই জায়গায় নীরব। আমাদের মনে হয় যে প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমরা দেখছি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার কেমন একটা তালমেল করে চলছে, যাতে করে এখানকার বাংলার গরিব মানুষরা বঞ্চিত হচ্ছে। তাই আমাদের প্রতিবাদ অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এবং আমরা ব্লকে আজকে ডেপুটেশন দিচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম রবীন মিশ্র, পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডাল ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি। आसनसोल में कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की इम्प्लीमेंटेशन की मांग पर मेमोरेंडम सौंपा। इस मौके पर उपस्थित थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तरुण रॉय, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट एसएम मुस्तफ़ा, साउथ ब्लॉक के विंसेंट विलर, डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस की साइना परवीन, वनश्री दुबे, गणेश बावरी, मुनीर बेग इत्यादि उपस्थित रहे। नेपाल महतो পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়ে তিনি একটা কেস করেছিলেন, সেই কেসের রায় আমাদের ফেভারে যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্টে আমাদের সংসদীয় নেতা পশ্চিম বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী তার পার্লামেন্টে লড়াই, তার ফলে ভারতবর্ষের সরকার 50,000 কোটি টাকা যেসব শ্রমিকরা ফিরে এসছে তাদের খাতে, প্রধানমন্ত্রী গরিব যোজনার খাতে এই টাকা স্যাংশন হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তারা নিশ্চুপ। আজকে সেই সব শ্রমিকরা যারা কাজ হারিয়ে তারা ফিরে এসছে রাজ্যে, তারা খুব মুশকিলের মধ্যে আছে।
তাই অধীর চৌধুরীর নির্দেশে আমরা সারা বাংলায় প্রশাসনিক ভবনে কোথাও ডিএ বিডিও কোথাও এসডিও কোথাও জেলা শাসকের কাছে আমরা ডেপুটেশনের মাধ্যমে যে সেই সব শ্রমিকদের খাতে যে টাকা স্যাংশন হয়েছে দ্রুত সেই টাকা তাদের জন্য লাঘু করতে হবে। তাই আমরা আজকে জেলা শাসকের অফিসে আমরা এসেছি যে আমরা আপনারা যদি এই শ্রমিকদের কথা না চিন্তা করেন আর যে যোজনার খাতে যে টাকা এসছে রাজ্য সরকার যদি ঠিকমতো তা ইউটিলাইজ না করেন আগামী দিনে কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে সারা বাংলায় বৃহত্তর আন্দোলন আমরা পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। सालनपुर ब्लॉक के कृषि विभाग ने पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग की पहल पर एक किसान समूह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सालनपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर के नांदनिक हॉल में किया गया। प्रशिक्षण के लिए सालनपुर ब्लॉक के कुल 11 किसान समूहों को आमंत्रित किया गया था। यह मिट्टी निर्माण की परियोजना पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिमाग की उपज है। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা সব সময় লক্ষ্য রাখেন যেদিকটা যে মানুষ থেকে স্বনির্ভর হতে পারে, মূলত এই যে আমাদের করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা 8 মাস ধরে যাচ্ছি, তো এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে অধিকাংশ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এই কর্মহীন পরিস্থিতিতে যাতে অধিকাংশ মানুষ যাতে মানে নির্ভর মানে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই দিকটা মাথায় রেখেই উনি একটা মাটির সৃষ্টি প্রকল্প লঞ্চ করতে চলেছেন এবং সেটা আমাদের এই সালানপুর ব্লকেও হচ্ছে, এটা দেনোয়া পঞ্চায়েতে বাঁশকেটিয়াতে হচ্ছে। তো ওখান থেকে যতগুলো গ্রুপ অলরেডি ফর্মেশন হয়েছে সব গ্রুপই মোটামুটি আজকে এখানে এসেছে এবং এক জায়গাতেই যেমন কৃষি দপ্তর থেকে চাষবাসের সঙ্গে কিছু গ্রুপ তারা চাষবাস করবে এবং কিছু গ্রুপ আছে তারা পোলট্রি ফার্ম করতে চায়, কিছু গ্রুপ আছে তারা গোটারি ফার্ম করতে চায়, এইভাবে বিভিন্ন গ্রুপে ফর্মেশন হয়ে এবং বিভিন্ন চাষবাসের মধ্যে দিয়ে মাছ চাষ বলুন, ছাগল চাষ বলুন এবং চাষবাস বলুন তার মধ্যে দিয়ে তারা যাতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে এই দিকটার কথা মাথায় রেখেই আজকের যে মাটির সৃষ্টি প্রকল্পটা সেটা নিয়েই আজকের এই ট্রেনিং মিটিং। এটা নাকি প্রত্যেক জীবিতেই আপনার হবে ট্রেনিংটা? না, এটা জিপি ওয়াইজ তো হচ্ছে না, আসলে যেখানে আমরা জায়গাটা পাচ্ছি আমাদের মনে হচ্ছে যে এখানে প্রজেক্টটা হতে পারে সেই রকম জায়গা আমরা চয়েস করি। তো আপাতত আমাদের বাঁশকেটিয়াই হচ্ছে, তারপর কালীপাথরে হবে, এরপরে বোলকুণ্ডায় আমরা একটা জায়গা দেখেছি। যদি ওখানকার যে চাষিরা আছে মূলত এটা মূলত হচ্ছে যেখানে যারা চাষবাস করে সেই গ্রুপগুলো যদি খুব অ্যাক্টিভ হয়, যেখানে এরকম খুব অ্যাক্টিভ গ্রুপ আছে সেখানেই আমরা জায়গাটা নিয়েছি। গ্রুপ রয়েছে কতগুলো গ্রুপ মোটামুটি এইখানে কাজ করছে? কাজ করছে মোটামুটি তো 11টা গ্রুপই আজকে এসেছে। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर शहर में नए बस स्टैंड के करीब गुरुवार की सुबह एक गोदाम की सफाई के दौरान करीब 7 फुट का एक अजगर पाया गया। इसे लेकर स्थानीय लोगों में कौतूहल देखा गया। जानकारी के अनुसार इस अजगर को देखकर स्थानीय दुकानदारों ने इसकी सूचना वन दफ्तर को दी। खबर पाकर वन कार्यालय के कर्मचारी तुरंत वहां पहुंचे और अजगर को पकड़कर ले गए। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि इस तरह के सांप अक्सर देखे जाते हैं लेकिन इतना बड़ा अजगर अब तक नहीं देखा गया है। सीतलपुर से राजेश हाड़ी के अनुसार 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल हाड़ी जाति कल्याण समिति आसनसोल मंडल के सीतलपुर ग्राम के स्थान सीतलपुर 3 नंबर हाड़ी पारा में सोशल डिस्टेंस को मानते हुए 105 नंबर वार्ड के काउंसिलर श्री अभिजीत आचार्य जी को पश्चिम बर्धमान जिला के वाइस प्रेसिडेंट टीएमसी पार्टी और
श्री बीमान आचार्य जी को कुल्टी ब्लॉक के प्रेसिडेंट टीएमसी पार्टी पद मिलने की खुशी में सीतलपुर हाड़ी ग्राम के युवा अध्यक्ष श्री अविनाश हाड़ी और उनके पूरा युवा कमेटी के द्वारा एक सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे ग्राम के पदाधिकारी गणों में ग्राम अध्यक्ष श्री कांता हाड़ी, उपाध्यक्ष श्री राजू हाड़ी, सचिव श्री जीतन हाड़ी, सलाहकार श्री सोना हाड़ी, श्री मदन हाड़ी, सूचना मंत्री श्री चंदन हाड़ी, श्री मनोज हाड़ी, कोषाध्यक्ष श्री अविनाश हाड़ी जी। ग्राम के युवाओं में युवा अध्यक्ष श्री अविनाश हाड़ी जी, युवा सूचना मंत्री श्री अभिषेक हाड़ी, श्री अजय हाड़ी, युवा कोषाध्यक्ष श्री बिक्की हाड़ी, भोला हाड़ी, सक्रिय युवाओं में प्रदीप हाड़ी, संजय हाड़ी, मनोज हाड़ी, रवि हाड़ी, भोला हाड़ी, सूरज हाड़ी और समस्त ग्रामवासी। सीतलपुर के हाड़ी ग्राम के अध्यक्ष श्री कांता हाड़ी जी ने कुल्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट को सम्मानित किया और सीतलपुर हाड़ी ग्राम के युवा अध्यक्ष श्री अविनाश हाड़ी जी ने पश्चिम बर्धमान जिला के वाइस प्रेसिडेंट को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय सीतलपुर ग्राम के युवाओं को जाता है जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम व्यवस्था किया और बहुत ही अच्छी तरह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। मैं सिर्फ दो चार आज अविनाश ने इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया और हम लोग को संवर्धना दिया, बहुत खुशी की बात है। साथ में एक दुख मेरा अभी भी है कि अभी तक इस गाड़ा में मैंने पाइपलाइन अभी तक नहीं दे पाया, ये दुख मेरा है। अभी पूरा हरी समाज का इतना जहाँ भी घर है सब में कनेक्शन हो गया, लेकिन इस पाड़ा का 10 से 12 घरों में अभी कनेक्शन बाकी है। और मैं आज इस मंच से वादा करता हूँ कि 7 दिनों के अंदर में ये काम हम पूरा कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते पाइप नहीं आ पाया था, बहुत जल्दी हम लोग का 1-2 दिन में पाइप आ जाएगा। और सबसे पहले यही पाड़ा का जो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कष्ट था तो सीतलपुर में आज तक पानी का कष्ट था, सबको सुबह से पानी के लिए दौड़ना पड़ता था, हमारे माता बहनों को कुआं से दूर से पानी लाना पड़ता था। लेकिन मेरा जितना कोशिश था मैंने कोशिश किया और हर इलाका में, इस इलाका में सबमर्सिबल के व्यवस्था किए थे। उसके साथ साथ हमारे माता बहनों के ब्याज में बस से उतर के आती थी तो रास्ता पूरा अंधेरा था और मुझे बोलते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आने वाला परसों रोज देशभक्त बार को हमारे लाइटिंग का ओपनिंग है और मेरा माता बहने जो भी अब ट्यूशन करके आएगा, पढ़ के आएगा, कोई ड्यूटी करके आएगा तो उनको अब अंधेरे में आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा रास्ता में LED लाइट का व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है और इसका इन लाइट देशभक्त बार से जलना शुरू हो जाएगा। सवाल रहा आप लोग, इससे पहले जब कुंटी म्युनिसिपैलिटी हुआ करते थे तब मैं दूसरे वार्ड के साथ चुप थे और कुंटी म्युनिसिपैलिटी होने के बाद जब आसनसोल कॉरपोरेशन बना तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आप लोग मेरे वार्ड के अंतर्गत आते हैं और आप लोग का आशीर्वाद हमको मिला, मैं जीता और इस वार्ड का पार्षद बना। और जिस दिन से मैं जीता उस दिन से मेरा एक ही कोशिश था कि इस इलाके को कैसे डेवलपमेंट किया जाए और हमको लगता है कि आज से 5 साल पहले आप लोग जैसा थे आज उनसे कहीं। बराकर से लाली गुप्ता के अनुसार 16 सितंबर की शाम 5 बजे बराकर बेगुनिया मोड़ में पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से क्रियाशील कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर एक मीटिंग किया गया। वहां उपस्थित रहे मैडम तबस्सुम आरा, डेप्यूटी मेयर ऑफ आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस, और श्री बीमान आचार्य, ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस। দীর্ঘদিনের লিডারশিপ দিতে পারবে তাকে কর্মীকে নিয়ে চলতে হবে।
প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো যাদেরকে এই মঞ্চের নিচে যারা বসে আছেন সেই সব সংগ্রামী বন্ধুদের আয়োজন মঞ্চ কনিষ্ঠ আছেন সংগ্রামী সভাপতি এবং আপনাদের অনেক দিনে চির পরিচিত সে বিমানের যুবহাসন উপস্থিত আছেন इस वर्ष कोरोना संक्रमण के आतंक ने पुरुलिया जिला अंतर्गत विश्वकर्मा पूजा की रंगत को फीका कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुरुलिया जिले के आद्रा रेल शहर के आसपास कई पूजा मंडपों में देव शिल्पी विश्वकर्मा की मूर्तियां स्थापित कर पूजा की जाती रही है। पुरुलिया जिला भर में विश्वकर्मा पूजा के मामले में आद्रा रेल शहर हमेशा आगे रहा है। अन्य वर्षों में विश्वकर्मा पूजा पर रामायण महाभारत की थीम के अलावे भी भारत द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थीम भी दिखाई जा रही थी। एक फुट की विश्वकर्मा की मूर्ति प्रतिमा आकर्षणीय रही है, लेकिन इस वर्ष कोरोना को लेकर उस तरह का आयोजन नहीं किया गया है। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि अन्य वर्षों में नई थीम रहने पर भी इस वर्ष किसी भी तरह से ऊंची प्रतिमा बनाना या थीम आधारित पूजा संभव नहीं हुआ। आद्रा बंगाली समिति में प्रतिवर्ष आकर्षणीय 21 फुट की मूर्ति और मिलन मेला रहता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना ने सारे आकर्षण छीन लिए हैं। जिले भर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियम के तहत अपने को सुरक्षित रखने के प्रयास के तहत इस समय भीड़ से बचकर रहने की खातिर छोटी पूजा का आयोजन करके ही काम चलाया जा रहा है। जिला अंतर्गत मूर्ति निर्माण करने वाले कलाकारों का कहना है कि इस वर्ष मूर्ति निर्माण के लिए बयाना बहुत ही कम मिला है। अन्य वर्षों में बड़ी बड़ी मूर्तियों के निर्माण के लिए सभी अग्रिम बुकिंग कर लेते थे, लेकिन इस वर्ष बयाना कम मिलने के कारण हम चरम आर्थिक नुकसान में पड़ गए हैं। पुरुलिया के निवासियों का कहना है कि हम लोग बचपन से ही आद्रा का विश्वकर्मा पूजा देखने आए थे हैं। कई बार घटनाएं घटने के बाद भी कभी भी पूजा इस तरह से प्रभावित होती दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक छोटे से वायरस ने आद्रा सहित जिले भर की पूरी पूजा के रंगत को फीका कर दिया।